हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चांद पवनीकर और आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी कार एक्सेसरीज। आज हमारे पास एक वैगन आ रही है, हमने इसमें पायनियर का सिस्टम लगाया है और अभी तक के हमने इसमें स्टेयरिंग कंट्रोलर जो रहता है, स्टेयरिंग कंट्रोल अभी तक के किया नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं स्टेयरिंग कंट्रोल कैसी होता है और वो किस तरीके से काम करते हैं और सिस्टम में कैसी उसकी प्रोग्रामिंग दी हुई है। तो सबसे पहले हमें ये पावर की बटन के बाजू में जो होम की जो बटन है इसे प्रेस करना है, तो आपका डिस्प्ले आएगा ये वाला। सेटिंग में जाना है हमें। सेटिंग में जाने के बाद स्टेयरिंग कंट्रोल का ये अभी आपको दिख रहा है ऑप्शन। तो अगर सपोज जैसे अगर इसमें हाइट अगर रहा तो हमें नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस पे वापस हमें इसमें रिसेट करना है इसे। अगर सपोज हाइट है तो वापस सेटिंग में जाइए, स्टेयरिंग कंट्रोल का ऑप्शन जो है अभी खुल गया। उसमें जाने के बाद नो अडेप्टर और जाना है हमें इसमें जैपनीज कार में। थोड़ी देर वेट कीजिएगा, वेट करने के बाद में इस तरीके का कुछ पॉपअप आएगा उस पर। तो सबसे पहले हमें एवी सोर्स पे हमें क्लिक करना है। वन टाइम क्लिक कीजिएगा और यहाँ से मोड की बटन लॉन्ग प्रेस कीजिए। देखिए हमारा एक्टिवेट हो गया है। अभी सेम प्रोसेस बाकी के डिवाइस में भी, म्यूट की, ये म्यूट की बटन, वॉल्यूम प्लस की, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस की, माइनस। अब बहुत से कस्टमर इसमें कंफ्यूज हो जाते कि अप डाउन में कैसे करें, तो हमें अपोजिट साइड में करना है। तो हमें जैसे यहाँ का सिस्टम में से लेफ्ट का लिए तो इसमें का राइट का लेंगे हम, और यहां से जो राइट का लिया है उसमें लेफ्ट का लेंगे, और एक कॉलिंग की और एक कॉलिंग डिस्कनेक्ट की। तो ये हमारा पूरा आप देख सकते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल इसमें एक्टिवेट हो गया है। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं। होम की बटन दबाइए, रेडियो में जाना है। रेडियो में जैसा अगर सपोज आपके अगर चैनल इसमें सेट नहीं है तो हमें BSM के जो बटन दिख रहे हैं इस पर प्रेस करना है। वन टाइम चैनल उसमें अपने आप सेट हो जाएंगे। ये हमारे चैनल सब सेट हो गए। तो चलिए एक बार स्टेयरिंग कंट्रोल में से देख लेंगे कि चैनल सेट हुए कि नहीं हुए। तो मैं वॉल्यूम प्लस की बटन दबा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। माइनस की कर रहा हूँ तो ये माइनस हो रहा है। अभी चैनल चेक करते हैं, चैनल की जो बटन है ऑपरेट हो रहा है ये, अप डाउन अप डाउन। अभी मोड की बटन देखेंगे हम, ये मोड की जो बटन है मोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्लूटूथ आ गया हमारा यहाँ पर। और अभी और एक बार मोड की बटन दबाएंगे, ये हमारा ऑक्स आ गया है। ऑक्स के बाद हमारा FM आएगा, ये FM। और ये वाली जो बटने हैं, ये बटन आपके ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाने के बाद में आपके डिवाइस काम करेंगी, ये दो बटने। और ये डमी ही रहेंगी, ये वाली जो ब्लूटूथ की बटन है ये डमी रहेंगी, क्योंकि सिस्टम में डायरेक्ट ब्लूटूथ दिया हुआ है। आपको मोबाइल से डायरेक्ट पेयरिंग करना है। पेयरिंग करने के बाद आपका जब कॉल रिसीव या किसी का अगर कॉल आएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें जैसा आपने रिसेट किए हैं तो वापस आपको एक प्रोग्रामिंग और करना है। होम की बटन दबाना है या आपका कैमरा बंद हो जाएगा, तो आपका कैमरा आपको कैमरा सेटिंग में जाके ऑन करना है। ऑन कर दीजिएगा तो आपका पूरा कैमरा जैसे ही रिवर्स भी चालू हो जाएगा, या आप रिवर्स मार के देख सकते हैं, ए रिवर्स। ठीक है, हमारा रिवर्स भी हो गया चालू। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले जो भी वीडियो बनी तो आपके पास जरूर पहुंचने को ना। तो बाय दोस्तों।